तो आज की हमारी क्लासेस में हम बात करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की कोड कंसेप्ट के बारे में। और इससे पहले की क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम यूज करते हैं कोडिंग को, कैसे कोड लिखते हैं, और हमने आपको वर्कबुक पे होने वाले इवेंट के बारे में समझाया था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आज हम सीट और रेंज के बारे में जानेंगे, दो ऑब्जेक्ट आज कवर करेंगे, सीट और रेंज, ताकि हमारा ऑब्जेक्ट कवर होके फिर हम उसके ऊपर कुछ काम करने में चले जाए। चलिए, हमने एक यहाँ पे एक फाइल लिया है, और जाहिर सी बात है मॉड्यूल्स में करेंगे इंसर्ट मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स ले लिया और सब्जेक्ट और माइक्रो हमने डिफाइन कर लिया। बात आती है इसमें कि रेंज, इस पे सीट्स की बात आती है। तो पहले जानिए सीट को कितने तरह से हम कॉल कर सकते हैं। जैसे हमने वर्कबुक को वर्कबुक्स और एक्टिव वर्कबुक्स दो हमने यूज किया था, याद होगा, ऐसे सीट को कितने तरह से कॉल किया जाता है। तो एक तो होता है कि सीट का प्रॉपर्टी, ए प्रॉपर्टी नेम आपको दिखे, सीट वन सीट टू, ब्रैकेट से पहले की बात कर रहा हूँ, सीट लिस्ट है आपका। तो आप देख रहे हैं कि एक ब्रैकेट से पहले और एक ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट में नेम है और कैप्शन कहलाता है, और ब्रैकेट से पहले जो है वो प्रॉपर्टी कहलाता है। ओके, तो ये तो प्रॉपर्टीज प्रोग्रामर का होता है, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टीज नेम कहलाता है, और ये जो कैप्शन नेम है ये बाहर हम जैसे यूजर चेंज करता है, जैन फायर मार्च डेटा समरी वगैरह जो भी आप चेंज करते हैं, अच्छा, वो कैप्शन नेम कहलाता है। यहाँ देखिए जैन हो गया। तो प्रॉपर्टी नेम से भी आप जा सकते हैं, कैप्शन नेम से भी जा सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो आप प्रॉपर्टी नेम लिख सकते हैं, आप कैप्शन नेम लिख सकते हैं। एक होता है सीक्वेंस नंबर, शीट्स 1 2 3 इस तरह सीक्वेंस नंबर भी दे सकते हैं आप। सीक्वेंस मतलब कि दूसरा नंबर शीट, तो शीट टू की बात नहीं हो रही है, वन एंड टू थर्ड सेकेंड पोजिशन, अगर थर्ड कर दिया तो थर्ड पोजिशन हो सकता, अच्छा। है कि थर्ड पोजीशन में सीट कोई और सीट हो आपका, जैन फैब और मार्च हो, कुछ भी हो, तो पोजीशन के हिसाब से चलता है कि पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन, चौथा पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से चलता है। सीट नेम कुछ भी हो सकता है। एक आपका एक्टिव शीट तो पता ही है, ठीक है, जो शीट एक्टिवेट है, मतलब कि जब फाइल खुलते ही सामने है, दैट इज में को डाउट है आपको? नहीं, कोई बात नहीं। तो ये आपका प्रॉपर्टी नेम हो गया, ये आपका कैप्शन नेम होगा, ये आपका सीक्वेंस नंबर हो गया, ये एक्टिव शीट हो गया। अब इसकी जरूरत कब पड़ती है? प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टी नेम से तब कॉल करते हैं हम सीट को जब हमारा सीट का नाम जो है बाहर कैप्शन नेम बार बार चेंज होते रहता है। जैसे अभी जैन है, अगले महीने आपका फैब हो जाएगा, उसके अगले महीने आपका मार्च हो जाएगा, इस तरह से चेंज होते रहता है। मतलब कि आपका जो नेम है वो फिक्स नहीं है, बट आपका सीट फिक्स है। तो सीट फिक्स है मतलब कि आपकी प्रॉपर्टी नेम फिक्स है, तो प्रॉपर्टी नेम से यूज करते हैं। दूसरा कि हमारा सीट डिलीट होते रहता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया, जैसे मैंने सीट 4 को ही मैंने डिलीट कर दिया, तो एक नया सीट हम ऐड कर लेंगे। अब इसका नाम मान लीजिए कि डेटा कर देते हैं, तो डेटा नेम फिक्स है कि डेटा ही रहेगा, चाहे किसी सीट पे हो, हम कोई भी नया पुराना सीट को डेटा करके उस पर अपना काम कर लेंगे। सीट कोई भी हो सकता है, बट उसका नाम फिक्स है कि डेटा रहेगा। तो अब क्या होता है कि डिलीट होने पे, देखिए सीट 4 डिलीट हो गया, यहाँ पे सीट 4 का जो एबिलिटी है खत्म हो गया, वजूद जो है या नहीं रहा, सीट 4 डिस्ट्रॉय हो गया। तो अगर आपने कहीं पर सीट 4 लिखा होगा, वो कोड वर्क नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि आपका सीट डिलीट होते रहता है, बट सीट नेम कैप्शन नेम इज द फिक्स्ड, ये आपका फिक्स्ड है, तो उस केस में हम इसका सीट का कैप्शन नेम से चलते हैं। उसके बाद हमें पता भी नहीं है कि सीट का कौन, मान लीजिए कि एक फाइल आपको ओपन करना है किसी फोल्डर से, और उसके सारे सीट को आपको क्या करना है, जितने भी शीट्स है सारे शीट्स को आपको कॉपी करना है। अब शीट के नाम क्या है हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि शीट में 5 फाइलें हैं, तो हम एक से लेकर 5 तक की फाइलों को वन बाय वन कॉपी कर लेंगे। तो उस केस में हम यहां इसको यूज करेंगे, ठीक है।
और एक्टिव शीट जब हमारा सीट एक्टिवेट है उस केस में हम इसका यूज करेंगे। ये समझ में आ गया आपको सीट कॉलिंग मेथड? यस। अब बात करते हैं कि सीट पे क्या क्या करते हैं। अब एक नई सीट हमें ऐड करनी है, जैसे हम लोग यहां इस पे क्लिक करके ऐड कर लेते हैं, प्लस पे क्लिक करके, तो ऐड करने के कोड क्या होगा? तो हमने यहां पे किया कि सीट्स डॉट ऐड, आपकी सीट ऐड हो गई। अब जो सीट ऐड हुई है उसका नाम भी देना होगा। जैसे हमने फाइल में किया था कि एक्टिव सीट, जो सीट ऐड होती है वही एक्टिवेट होता है, तो एक्टिव सीट डॉट नेम इक्वल टू हम यहां पे दे देंगे डेटा या कुछ भी देना, जो देना दे सकते हैं। यहां पे तो यहां पे सीट ऐड हुई और यहां पे उस सीट को हमने रिनेम कर दिया। लेकिन मुझे पता है कि मुझे डेटा नाम का ही सीट ऐड करना है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे लिखूंगा सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू डेटा। एड डॉट नेम डॉट इक्वल टू डेटा। देखिए मुझे जब हम जब यहां पे शीट ऐड करते हैं, यहां पे शीट ऐड, तो शीट कहां ऐड होती है? जो शीट एक्टिव है उससे पहले। मुझे मान लीजिए कि मार्च के बाद ऐड करना है या शीट थ्री से पहले ऐड करना है, तो ऐड करते समय जैसे आप स्पेस देंगे यहां पे एक्सप्रेशन आएगा बिफोर एंड आफ्टर। मुझे मान लीजिए सीट थ्री से पहले ऐड करना है, तो उस सीट थ्री का नाम सीट के जो लिखने का मेथड है, जो कॉलिंग मेथड है, उस फॉर्मेट में लिख दीजिए सीट थ्री, यहाँ पे कैप्शन। अब मुझे बाद में जोड़नी, बाद में ऐड करनी है, तो सीट डॉट ऐड। अब देखिए यहाँ पे जो हम सीट का नेम ले रहे हैं ना सर, इन चारों में से एक मेथड होगा, वो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। मुझे आफ्टर करना है तो हम बिफोर को स्किप करेंगे और आफ्टर पे जाएंगे। अब देखिए कहीं कहीं पे इस तरह से लिखा हुआ, देखिएगा इस तरह से भी लिखा हुआ होता है आफ्टर, इस तरह से भी लिखते हैं हम। तो ये कब होता है? जैसे आपके पास बहुत सारे इनपुट है, उसमें से एक या दो इनपुट बीच का देना है, तो कमा 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 लगाने में दिक्कत हो जाती है, तो वहां पे जो ये लिखा हुआ है जो नेम वो लिख दीजिए और यहाँ पे कॉलन इक्वल लगा दीजिए और अपना जो देना है इनपुट दे दीजिए, उस पे जाएगा जैसे सीट्स हमने बोला मार्च। लेकिन मुझे सीट ऐड करनी है सबसे लास्ट में, तो यहां सीट को लिखने का तरीका यह होगा कि सीट्स डॉट ऐड और यहां पे आफ्टर पे जाएंगे और यहां पे सीट्स। अब यहां पे नंबर भी दे सकते हैं ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 कि पांच सीटों के बाद ऐड कर दो। बट ये फाइव फिक्स तो नहीं है, हो सकता है कि ये आगे चल के इंक्रीज हो जाए डिक्रीज हो जाए। तो यहां पे एक फंक्शन, एक वीवी का फंक्शन लगा देता हूं शीट्स डॉट काउंट, ठीक है, तो ये ऑटोमेट हो जाएगा कि जितना कितना भी सीट क्यों ना हो हमेशा वो लास्ट में ही ऐड करेगा। क्लियर है? दूसरी चीज, अगर मान लीजिए मुझे एक बार में एक ही सीट ऐड नहीं करनी, पांच सात ही ऐड करनी है, तो आपको काउंट दिख रहा है, कॉमा कीजिए और काउंट पे जाइए। मैंने यहाँ पे बोल दिया कि आपको 10 सीट ऐड करनी है, तो जब एक कोड रन होगा तो 10 सीट ऐड करेगा। सीट ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हम जब सीट ऐड कर लिए हैं तो सीट को हम डिलीट भी करेंगे ना क्या? तो मान लीजिए मुझे सीट वन को डिलीट करना है, तो सीट वन डॉट डिलीट, राइट? लेकिन ऐसा करने में दिक्कत होगा, जैसे ही कोड डिलीट कोड रन होगा आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा, आपका माइक्रो पॉज हो जाएगा और आपसे एक कंफर्मेशन पूछेगा। जब आप डिलीट पे क्लिक कर दीजिएगा तब जाके आपका सीट डिलीट होगा, अदरवाइज सीट डिलीट नहीं होगा। ओके सर, आपका सीट डिलीट नहीं होगा। तो इस हम चाहते हैं कि ये जो ये है, मतलब कि जो अभी आपके सामने आया है
डिस्प्ले अलर्ट उसको नहीं आना है, तो यहां पे लगाएंगे कि एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट नहीं, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट, डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, राइट। तो जब भी आप डिलीट सीट डिलीट करने का कोड डालें, इसके ऊपर ए कोड जरूर ऐड करें, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू फॉल्स, समझ गया। यहां पे एप्लीकेशन क्यों लगाया, क्योंकि हम अलर्ट जो होता है वो किसी फाइल का नहीं होता है, वो एप्लीकेशन का होता है ना सर, इसलिए एप्लीकेशन को साथ लगाया। और हमने एप्लीकेशन की सेटिंग को चेंज किया, बट ये सेटिंग जो चेंज हुआ है वो सिर्फ इस मैक्रो के लिए चेंज हुआ है, ओवरऑल के चेंज नहीं हुआ। फिर भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं कहीं पूरा के लिए चेंज तो जाए, चेंज नहीं हो जा रहा है, ऐसा होता नहीं है, फिर भी अगर आपको शक है तो आप नीचे कोड डाल दें और हियर इज द राइटर टूडे ट्रू, यहां पे ट्रू कर दें, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट इक्वल टू ट्रू, ओके। इसका यूज कर सकते हैं आप, हम बात करते हैं सीट को हमने डिलीट कर लिया, अब सीट को मूव, अब मूव क्यों करेंगे। जैसे कि याद होगा कि मैंने लास्ट क्लासेस में जो मैंने रिकॉर्डिंग मैक्रो बताया था, तो उसमें आपने देखा था कि हमने सीट को मूव किया था एक नई फाइल में। जैसे मान लीजिए कोई, अगर मुझे इस सीट में से मार्च वाले सीट का डेटा हमें मेल करना है, तो इसको मुझे इस सीट को मुझे बाहर एक अलग फाइल में लाना होगा ना, क्योंकि अगर मैं इस फाइल को मेल करूंगा तो सारी सीट मेल होगा। तो मूव कर, राइट क्लिक कर यहाँ पे मूव एंड कॉपी करते हैं और यहाँ से न्यू वर्कबुक को सिलेक्ट करते हैं, मूव करेंगे, क्लियर कॉपी पे अगर सिलेक्ट नहीं कीजिएगा तो आपका मूव नहीं होगा। ओके एक सेकंड, हाँ सचिन जी, उसमें फोल्डर के नंबर दिए हुए, पहले एक्सेल का फोल्डर देखिए, फोल्डर नंबर दिए हुए। मैं बात करता हूँ, मैं क्लास में बैठा हूँ, क्लास से फ्री होकर आपको कॉल बैक करता हूँ। सॉरी सर। तो यहां से हम मूव एंड कॉपी कर देते हैं, कैसे यहां पे हम जाएंगे, कैसे कोड दिखेंगे, तो कोड होगा यहां पे जिस सीट को मूव करना है, जैसे मुझे मार्च को मूव करना है, तो इसमें से आप अब ये जो इस चारों में से कोई एक आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी नेम देता हूँ, ठीक है, आप अपने सिचुएशन के हिसाब से लेंगे कि आपका सीट है क्या। मैं यहाँ पे दूंगा मूव, अब जस्ट मुझे क्या करना है, मूव लिख देना है, तो मूव या आपको लिखना है यहाँ पे कॉपी, सीट वन डॉट कॉपी, ये आपका एक नई फाइल में मूव हो जाएगा। अब नई फाइल में मूव होगा तो उस फाइल को सेव भी तो करना पड़ेगा, और जब मूव होगा तो वही एक्टिवेट होगा। जैसे एग्जांपल, मैं अगर इसको मूव एंड कॉपी पे जाता हूँ, क्रिएट कॉपी, और एक नया बुक ले लेता हूँ, ओके करता हूँ, तो अभी जो नई बुक में ऐड किया है बुक्स फाइल, यही फाइल में एक्टिवेट है ना, क्योंकि फाइव में ऐड होगा, सिक्स में ऐड होगा, टेन में ऐड होगा, आइडिया नहीं है, बट इतना आइडिया है कि जिस फाइल में ऐड होगा वो एक्टिवेट होगी, तो हम उस फाइल को सेव एज करा लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे एक्टिव वर्कबुक, जो कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, सेव एज, और यहां पे हम अपना फाइल नेम और पाथ, जो पाथ है आपका, वो पाथ जैसे डी ड्राइव, सी ड्राइव, जो भी पाथ है आपका, पाथ स्लैश फाइल नेम दे दीजिएगा, इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। यहां मैंने ऐसे पास लिख दिया, बट आप अपने हिसाब से पास लिखिएगा, और सेम इसमें भी होगा। तो ये तो एक डिफरेंट फाइल में एक नई वर्कबुक में ऐड करेगा,
बट मुझे मूव करना है सेम फाइल में, मान लीजिए कि मुझे इसे उठा के यहाँ पहले सीट पहले पोजीशन पर रख देना है, तो उसके लिए हम यहाँ करेंगे सीट वन डॉट मूव, सीट वन डॉट मूव, और यहाँ पे बिफोर और आफ्टर है, तो मुझे पहले सीट से आपका कौन सा है सीट टू से पहले ऐड करना था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीट और यहाँ पे सीट टू उसे पहले कर देता। अगर मुझे बाद में करना है तो यहाँ मूव में देखिए यहाँ आफ्टर लगा हुआ है। उसी तरह से कॉपी में भी हम सेम लिखेंगे, लेकिन मुझे अगर अनोदर फाइल जैसे मान लीजिए मुझे बुक टू में करना है, बुक टू के सीट वन से पहले करना है, तो अगर वो बुक टू ओपन है तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि बर्क बुक्स, और यहां पे आप लिख सकते हैं बुक टू डॉट एक्सएलएस एक्स या एम जो भी एक्सटेंशन है डॉट सी। तो किसी अनोदर फाइल में मूव या कॉपी करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, सेम फाइल या अनोदर फाइल। सेम फाइल में करना है तो वर्कबुक का नाम देने की जरूरत नहीं है, अनोदर फाइल में करना है अगर वर्कबुक ओपन है तो उसमें कर सकते हैं, नई वर्कबुक में करना है तो कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो श्रीनिवास जी आपको मूव एंड कॉपी करना आ गया? यस। अब मूव एंड कॉपी के बाद हम सीट को हाइड और अनहाइड करते हैं। यहां पे लिखेंगे सीट्स, सीट में हम देते हैं कि सीट वन या सीट टू या जो भी कॉलिंग मेथड है इसमें चारों में से कोई एक ले सकते हैं डॉट हाइड, सॉरी विजुअल होगा विजुअल इक्वल टू, इसके तीन है, एक होता है सीट हिडन, एक्सेल सीट हिडन अगर आपने सेलेक्ट कर लिया तो क्या होगा कि नॉर्मल जो हम सीट हाइड करते हैं ना इसको इस तरह से, वो इस तरह से हाइड कर देगा, कोई भी इसको अनहाइड कर सकता है, बट आप कहते नहीं सिक्योर हाइड होना चाहिए, तो सिक्योर हाइड के लिए हमें यहां पे लिखना होगा कि सीट वन डॉट विजुअल और इक्वल टू यहां पे एक्सेल वेरी सीट वेरी हिडन को सिलेक्ट करना होगा या लिखना होगा। अगर आप इस मेथड को अपनाते हैं दोनों में से दोनों मेथड को तो आपको मेनू लिखना पड़ेगा, ऐसा आएगा नहीं, सीट वन सीट टू प्रॉपर्टी नेम लेने से क्या होता है कि ये सारे एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अगर आप इस तरह से करें कि सीट्स यहाँ पे मान लीजिए डेटा तो डॉट लगा लेते आपको सजेशन नहीं आएगा, आपको पूरा टाइप करना पड़ेगा, इसलिए मैं ज्यादातर सीट वन सीट प्रॉपर्टी नेम उसी को यूज करता हूँ सर टाइम बचाने के लिए। तो आपका वेरी हिडन हो गया, वेरी हिडन मतलब क्या हो गया कि सीट यहाँ दिख रहा है आपको एक्सेल वेरी हिडन, इसका इस्तेमाल इसने किया प्रॉपर्टी का, तो इसको अनहाइड करने के लिए वीवी जैसे मान लीजिए कि हमने अगर सीट वन को किया है तो अनहाइड करने के लिए मुझे यहीं से आपको विजुअल एक्सेल सीट विजुअल करना पड़ेगा वीवी कोडिंग में जाके, या फिर इसके लिए कोड लिख के रन करना पड़ेगा सीट वन डॉट विजुअल इक्वल टू एक्सेल सीट विजुअल, ये आपका सीट को अनहाइड कर देगा। डाउट तो नहीं इसमें? तो हमने सीट को हाइड और अनहाइड भी कर लिया। उसके बाद हम सीट में पासवर्ड डालते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो सीट वन डॉट प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में आपने यहां पे पासवर्ड डाल दिया, आपका सीट प्रोटेक्ट हो गया, जो कि नॉर्मली जो हम राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट सीट करते हैं पासवर्ड डालते हैं ना, ये करता है। इसमें बहुत सारे चेकबॉक्स है, तो जैसे आप ये जो अलाउंस है मतलब कि पासवर्ड के देने के बाद क्या क्या हो सकता है, जैसे आप चाहते हैं कि भाई अलाउ फिल्टर या सॉर्टिंग, मान लीजिए सॉर्टिंग अलाउ कर सकते हैं, अब मुझे सॉर्टिंग पे जाना पड़ेगा कॉमा कॉमा करके, और यहां पे देना पड़ेगा ट्रू, समझे? तो इसीलिए हमने आपको बताया था कि जब लंबा होता है तो हम डायरेक्ट ये जो इस मेथड का यूज करते हैं, दिख रहा है आपको? तो अगर मुझे उस मेथड से प्रोटेक्ट करना होगा, सॉर्टिंग को ट्रू करना है सीट वन डॉट प्रोटेक्ट,
तो मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो मुझे यहाँ देना लिखना पड़ेगा पासवर्ड, तो पासवर्ड सबको लिखना पड़ेगा, ध्यान एक को नहीं लिख सकते, सबको लिखना पड़ेगा आपको, इक्वल टू 1 2 3। और फिर इसके बाद कॉमा करके मुझे यहाँ लिखना है अलाउ, देखिए बोल्ड हो गया ना, बोल्ड हो गया मतलब कि आपने सही लिखा है, और यहाँ पे मैंने दे दिया ट्रू। तो इस मेथड से भी लिख सकते हैं, ठीक है जी, कोई डाउट इसमें? अलाउ सॉर्टिंग, अच्छा हमने यहाँ पे अलाउ सॉर्टिंग किया ना, क्योंकि जैसा लिखा हुआ तो वैसा ही लिखना है यहाँ पे, जैसे जो यहाँ पे टाइप है सेम स्पेलिंग के साथ लिखना होगा, और लिखने के बाद आपको टाइप करने के बाद कॉलन और इक्वल देना होगा, जैसे कॉलन इक्वल देंगे वो बोल्ड हो जाएगा। सर यस, हम प्रोटेक्ट के बाद आई थिंक अनप्रोटेक्ट करेंगे, तो सीट 1.unprotect और यहां पे हम पासवर्ड डाल देंगे, आपका सीट अनप्रोटेक्ट हो जाएगा, जो भी पासवर्ड आपने डाला है वो पासवर्ड डाल दीजिए। अगर नंबर यूज करते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर नंबर टेक्स्ट या सिर्फ टेक्स्ट यूज करते हैं तो शुड बी Enter within inverted comma, okay? यहाँ पे next जो हमारा आता है वो आता है tab color, इसकी जो हम background color देते हैं seat की, यहाँ पे tab color होता है हमारे पास, इस color को कैसे देंगे, कभी भी इसकी जरूरत पड़ जाती है कभी कभी, तो उसके लिए हम कोड लिखेंगे seat 1.tab डॉट कलर। अब यहाँ पे कलर नेम, तो इसमें दो कलर तक इसमें ही नहीं, कहीं भी कलर आपको देना है तो दो तीन तरीके हैं, एक तो है आपको कि वीवी रेड ग्रीन ब्लू श्याम मैजेंटा दे सकते हैं, दूसरा है कि आप आरजीबी देंगे, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको टैब डॉट कलर इक्वल टू आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू का नंबर। अब बोलेंगे कि सर ये नंबर कैसे पता चलेगा, क्या यहाँ पे डॉट लगा दिया कॉमा लगा, आप बोलेंगे कि मुझे पता कैसे चलेगा कि इसका कल कौन से कलर है, क्या नंबर्स हैं, तो इसमें आपको एक्सेल मदद करेगा, आप यहाँ मोर कलर पे चले जाएं और कस्टम पे आए, तो यहाँ पे को जो कलर चूज करना चूज कर लीजिए और कस्टम पे जाइए, यहाँ पे आ जाएगा 000255, समझे, आरजीबी कलर दे सकते हैं। तो आई थिंक हम सीट पे क्या करते हैं, सीट को सबसे पहले तो हम एक्टिवेट करते हैं, मतलब एक सीट, हाँ इसमें तो बताया नहीं आपको मैंने कि मुझे अगर एक सीट पे, एक सीट से दूसरे सीट पे जाना है, जैसे मान लीजिए कि फिलहाल मैं सीट 1 पे हूँ और सीट 3 पे जाऊँ, क्योंकि मुझे कुछ लिखने के लिए सीट 3 पे तो जाना ही पड़ेगा, एक्टिवेट होगा तभी तो कुछ एक्टिविटी होगी, तो उसके लिए यहाँ पे हम सीट 1.activate या सीट 2.select कर सकते हैं, यहाँ पे एक सेलेक्ट भी होता है, तो एक्टिवेट सिर्फ एक सीट के लिए होता है और सेलेक्ट जो है मोर देन वन सीट के लिए होता है। अब बोले इसे मोर देन वन सीट, तो हम लोग कंट्रोल प्रेस करके दो सीटों को सिलेक्ट करते हैं ना, जिन्होंने दो सीट सिलेक्ट कर लिया, अब मान लीजिए A1 पे मैंने अगर कुछ टाइप किया तो सीट 1 और सीट 2 दोनों पे टाइप हो, देखिए यहां भी टाइप होगा और यहां भी टाइप होगा सेम लोकेशन में। इस तरह के केसेस सिलेक्ट करने के लिए, मल्टीपल शीट सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल या शिफ्ट दबा के जो हम करते हैं, उसके लिए लिखना पड़ेगा आपको शीट्स एरे, और इसके अंदर आप अपने सारे शीट के नेम कैप्शन नेम शीट 2 कॉमा करके डाल दें, शीट 3 एक या एक से ज्यादा डाल सकते हैं, लास्ट में फिर उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे सिलेक्ट ही यूज होगा, यहाँ पे एक्टिवेट यूज नहीं होगा, क्योंकि एक्टिवेट सिंगल के लिए होता है, मल्टीपल के लिए नहीं होता है, मल्टीपल के लिए सिलेक्ट होता है। तो सीट से रिलेटेड काम यही करते हैं हम, सीट को एक्टिवेट करते हैं, हम सीट को इंसर्ट करते हैं, हम सीट में नाम ऐड नाम रिनेम करते हैं, क्या
हम सीट को या बोलिए। या वन क्विक क्वेश्चन, व्हेन डू वी यूज एप्लीकेशन, व्हेन डू वी यूज दिस वर्कबुक? देखिए एप्लीकेशन का यूज होता है जब कुछ ऐसा सेटिंग जो है या कुछ ऐसी सेटिंग चेंज करनी हो, क्योंकि एप्लीकेशन की जो सेटिंग होती है अगर आपको चेंज करनी हो तो, जैसे कि डिस्प्ले अलर्ट या स्क्रीन अपडेटिंग, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे यहाँ पे आपको फंक्शन कॉल करना है, एक्सेल के फंक्शन को लगाना है, एक्सेल के जो फॉर्मूले वी लुकअप एच लुकअप ऐसे फंक्शन होते हैं उसको लगाना है, तो हम एप्लीकेशन के थ्रू जाते हैं। क्योंकि वो जो पार्ट है, मान लीजिए डिस्प्ले अलर्ट किसी एक फाइल का टॉपिक नहीं है, ये पूरी एप्लीकेशन की टॉपिक है, अच्छा, तो हमें इट्स अच्छा, एप्लीकेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, ओके, ठीक है ना। और वर्कबुक तो पता ही, आपको किसी एक फाइल के ऊपर हमें कुछ करना हो तो वर्कबुक ले सकते हैं, जैसे बताया था लास्ट क्लास में। या वो तो है, तो ओके, ले, सो या एप्लीकेशन का यूज होता है जब सेटिंग, जैसे डिस्प्ले अलर्ट, समझते ना क्या होता है, जब भी आप कुछ करते हैं जैसे किया आपने, ये अलर्ट ही तो है, तो ऐसे बहुत से केसेस में आपको अलर्ट आएंगे, उस या अलर्ट को समझ गया मैं। मूव करने के लिए होता है। जैसे मैंने यहाँ पे रखा, अलर्ट आया ना आपको सर, ये ना जिसमें इस तरह का साइन सिंबल होता है, दिस अलर्ट, ऐसे अलर्ट को डिसेबल करने के लिए हम डिस्प्ले अलर्ट यूज करते हैं। ऐसे धीरे धीरे आगे आपको और मिलेगा, जैसे कि आपको मिलेगा स्क्रीन अपडेटिंग, आगे मिलेगा आपको फंक्शन लाइब्रेरी, ये चीजें भी मिलेगी आपको आगे चलकर, तो मैं सब समझाऊंगा आपको। आगे बढ़े इसमें, तो इसमें आपने सीट को रिनेम करना सीखा, सीट को डिलीट करना सीखा, सीट को आपने कॉपी एंड मूव करना सीखा, सीट को हाइड और अनहाइड करना सीखा, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट करना सीखा, उसकी टैप कर देना सीखा। तो आई थिंक सीट में हम इतना ही करते हैं ना, सीट को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, रिनेम करते हैं, मूव एंड कॉपी करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, टैप लोड करते हैं और हाइड अनहाइड। तो सीट का टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब आता है मेन ऑब्जेक्ट, रेंज। रेंज जो है सबसे मेन ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले रेंज की कॉलिंग मेथड को समझते हैं। जैसे कि हमने अभी सीट की समझी है, सीट वन, सीट्स, सीरियल नंबर और उसके एक्टिव सीट, ऐसे रेंज की भी कॉलिंग मेथड होती है। जैसे मुझे किसी एक रेंज को पे कर्सर रखना है तो क्या कोड हो सकता है, तो एक तरीका तो है यहां पे कि आप यहां पे रेंज A1.सेलेक्ट या एक्टिवेट कर सकते हैं आप, मल्टीपल के लिए वन एंड मल्टीपल के लिए सेलेक्ट और ओनली फॉर वन के लिए एक्टिवेट। ओके, दूसरा है हमारा पे सेल्स, 1.1.सेलेक्ट। आप बोलेंगे A1.1 क्या है, मतलब कि रो नंबर वन एंड कॉलम नंबर वन। अब मान लीजिए कि आपके पास जो सेल का एड्रेस है वो अल्फा न्यूमेरिक में है, जैसे मान लीजिए मुझे क्लिक करना है K15 पे, तो यहां आप लिखेंगे K15। ओके, लेकिन आपको ये पता करना है, आपको लिखना है कि पांचवा नंबर कॉलम एंड 14वां नंबर रो, मैं 14th नंबर रो एंड 5 नंबर कॉलम। तो यहां पे हम 14 नंबर रो एंड 5 नंबर कॉलम, इसका यूज करेंगे। क्लियर सर? रेंज रेंज K15 सेलेक्टेबल है तो क्या है? K15 में कर्सर रख देगा, यहां पे K में जाएगा और अच्छा, K15 में इस तरह से कर्सर, ओके, सेलेक्ट क्योंकि कर जब तक हम लेंगे। कर्सर नहीं रखेंगे तब तक टाइप थोड़ी कुछ कर पाएंगे। मान लीजिए ना कि मुझे अगर A1 पे हेडिंग देना है, डेट देना है, यहाँ पे डेट और A2 में डेट लिखना है, इसके लिए हमें पहले A1 पे जाना होगा ना, रेंज A1.सेलेक्ट इस पे जाना पड़ेगा ना, अच्छा, या फिर इसको हम डायरेक्ट इस पे बिना गए भी इसकी वैल्यू को हम वैल्यू इक्वल टू हम यहाँ पे डेट लिख देंगे क्या। तो पहले हमें रेंज की कॉलिंग मेथड आनी चाहिए ना कि हम कैसे रेंज लिखेंगे। तो रेंज लिखने का दो तरीका मैंने बताया कि रेंज A15 यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक जो जनरली हम एक्सेल में लिखते हैं ना सर, जैसे मान लीजिए सम करना है और सम में मुझे देना है L15, तो यहाँ पे L15 दिया ना सर हमने,
जाके मुझे देना है P10 दिया तो P10 पे आ गया। तो अगर आपको अल्फा न्यूमेरिक पता है तो आप इस मेथड की यूज करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रो एंड कॉलम में जो नंबर मिलते हैं कि 17वां नंबर कॉलम एंड 5 नंबर रो, ऐसे नंबर में मिलते हैं, कभी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है, तो उस केस में हम सेल्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट? ओके। अब मुझे अगर मान लीजिए कि किसी सेल में वैल्यू टाइप करना है, तो वैल्यू टाइप करने की क्या आएगा, मतलब कि मुझे मान लीजिए इसी सेल में देना है रेंज, डेट देना है, मान लीजिए A1 में डेट और B1 में डेट लिखना है, तो इसका कोड क्या होगा? मैं इसको रन करके भी दिखाऊंगा, इसलिए मैं इसको अलग मैक्रो पे लिख रहा हूं। तो सब इसके दो तीन तरीके हैं। पहले तो आप मुझे यहां पे लिखना होगा रेंज A1। पहला तरीका यह है कि मैं लिखूंगा रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट, राइट? फिर यहां पे लिखूंगा रेंज B1 डॉट वैल्यू इक्वल टू डेट। दोनों डेट पे फर्क समझिए, हमने डेट को इन्वर्टेड कोमा में डाला तो एक टेक्स्ट बन गया, जैसा डेट है ऐसा डेट लिख देगा, और हमने डेट को विदाउट इन्वर्टेड कोमा में डाला तो ये फंक्शन है, डेट नाम का एक फंक्शन है जो कि करेंट सिस्टम डेट यहां पे डाल देगा। इसको अगर डिलीट करता हूं और मैं यहीं से रन कर देता हूं, यहां से एक नाम के दो फंक्शन नहीं हो सकते, एक मैक्रो नहीं हो सकता सर। एक नाम के दो मैक्रो है, ऊपर भी मैंने लगा रखा है। आप देखेंगे यहां पे आ गया सर, डेट डालते हैं। लेकिन अभी हमने जो अभी रन कर दिया तो ये एक्टिव सीट पे डाला, जो सीट आपका एक्टिवेट है उस पे डाला, मुझे सीट 3 पे डालना है। तो उसके दो तरीके हैं, है तो मैं इसके आगे इससे पहले लिख दूंगा कि सीट और यहां पे सीट 3 कॉलिंग मेथड अपने हिसाब से लेंगे जो मैंने बताया आपको, डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट। तो ये क्या करेगा कि पहले सीट 3 पे जाके क्लिक करेगा और फिर इसमें लिखेगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, मैं यही से रन कर देता हूँ, और सीट 3 एक्टिवेट है और सीट 3 पे लिख दिया। दूसरा तरीका है किसी अनुदर सीट पे लिखने के लिए, तो कैसे लिखेंगे कि इसको यहाँ इसके आगे आप उसका पूरा पाथ दे दीजिए, फिर इसको डालने की जरूरत, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सीट को बिना एक्टिवेट किए लिख देगा। मैं जैसे मैं सीट 2 पे हूँ और मैं अपना डेवलपर में गया और मैं micro_RR_ है ना हमारे रन कर दिया, तो कहीं कुछ हलचल नहीं हुई, बट सीट 3 पे जाके देखिए आपका डला हुआ है। लेकिन ये मुझे किसी और फाइल में से, मुझे बुक 2 के सीट 3 पे डालना है, उसके दो तरीके हैं, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि मैं सबसे पहले तो मैं यहां पे उस वर्कबुक में वर्क बुक्स होगा हाँ, मैं यहां पे बुक 2 डॉट xlsxm, पाथ m में आता है इसलिए मैं m डाला है, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, डॉट एक्टिवेट। क्या करेंगे? एक्टिवेट। उसके बाद हम बोलेंगे सीट्स और यहां देंगे seed3 डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर मैं ये जो आपका रेंज आपको दिख रहा है, इस रेंज को लेंगे इस मेथड से, मैं इस मैक्रो को रन करूंगा। मान लीजिए मैं बुक 3 पे ही हूं, फिलहाल मैं बुक 3 पे हूं ना, मैक्रोस
rr_5 इसको लिया एंड रन किया, तो आप देखेंगे कि आप एक मिनट आउट ऑफ स्क्वायर आउट ऑफ रेंज m इन्फो में देखने लीजिए, मुझे फाइल सेव तो नहीं है, फाइल सेव नहीं है शायद, इसलिए ऐसा दिक्कत होगा। यह आपका बुक टू वर्कबुक्स, एक्सटेंशन का जिक्र था, तो आप देखेंगे कि यहां पे डेट और टाइम डाल दिया ना सर। हेलो, तो यहां पे आपका डेट और टाइम डाल गया बुक टू को एक्टिवेट करके, या इसको हम डायरेक्ट जिसे भी यहां पे हमने किया था ना, तो हमें इसके आगे अपना वर्कबुक का मेथड लगाना है बस, बट इसमें एक्सटेंशन आपको देना पड़ेगा आई थिंक डॉट एक्सएलएस एक्स, इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो बिना बुक थ्री को ओपन किए वो आपका देखिए ओपन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा ये तभी वर्क करेगा दोनों, आपका वो फाइल वर्क बुक टू जो है आपका ये ओपन होना चाहिए, फिर ये आपका वर्क करेगा। वो एक्सटेंशन का जो लग रहा है इसमें दिक्कत, एक्सएलएस एम एक्सटेंशन की प्रॉब्लम है सर, लग रहा है एक्सटेंशन कुछ और है, तो एक्सटेंशन नहीं भी डालोगे तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सटेंशन ना डालने में दिक्कत क्या होता है, कब दिक्कत होता है, जब एक ही नाम के दो फाइलों हैं दोनों का अलग एक्सटेंशन है तब दिक्कत होता है, या फिर ओपन करते समय दिक्कत होती है, जब ओपन करते समय एक्सटेंशन डालना पड़ता है। ओके, तो आपको रेंज समझ में आ गया कि रेंज में हम डेटा कैसे डालेंगे। ओके, यस, एक सेल में डेटा कैसे टाइप करना समझ में आ गया ना आपको सर। तो आप रेंज लिखेंगे यहाँ पे, वैल्यू लिखेंगे। अब बात आती है कि मान लीजिए मुझे एक रेंज, एक मल्टीपल रेंज को सिलेक्ट कैसे करें, क्योंकि अब मुझे कुछ भी इसको कॉपी करना है समझ लीजिए, तो मुझे इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा ना सर। अगला टॉपिक आता है, हम तीसरे टॉपिक में, हमने पहला टॉपिक किया सीट, सीट इवेंट, दूसरा हमने टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया रेंज इवेंट और रेंज की कॉलिंग मेथड, रेंज इवेंट कर लिया। अब रेंज की आगे बात करते हैं सिलेक्शन पे, हालांकि सिलेक्शन की मैं यहाँ पे आधा टॉपिक कराऊंगा, आधा मैं कल कराऊंगा, क्योंकि सिलेक्शन मेथड थोड़ा सा एडवांस है तो आपको टाइम देना होगा प्रैक्टिस के लिए। तो सिलेक्शन मतलब कि हमने एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए A1 का इस्तेमाल किया, बट मुझे एक से ज्यादा सेल सिलेक्ट करना है, जैसे मुझे A1 से मान लीजिए B13 को सिलेक्ट करना है, जो हम लोग ऐसे करते हैं ना माउस से, उसके बाद तो कॉपी करेंगे जब कुछ करेंगे। तो उसके लिए कोड यहाँ लिखा, दो इसका दो तरीके है लिखने का। पहला है कि आप एक्सेल का मेथड जो होता है A1 से लेके B13, जैसे एक्सेल का मेथड है उस तरह से आप डॉट सिलेक्ट कर सकते हो, या कॉपी करना है तो डायरेक्ट आप कॉपी कर सकते हो। तो लिखने का तरीका एक है, लेकिन अगर हम बात करें VVA मेथड की, तो VVA मेथड होता है कि A1, A13 इन इसको डायनेमिक करने में आसानी होती है, इसलिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ओके सर, अलग तो ये क्या करेगा कि सबसे पहले वाले सेल पे कर्सर रखेगा और शिफ्ट प्रेस करके लास्ट वाले सेल पे कर्सर रख देगा, मतलब कि पहला पोजीशन A1 था तो A1 पे कर्सर रखा, शिफ्ट को प्रेस किया, और दूसरा पॉइंट क्या था B13 था तो B13 पे जाकर कर्सर रख दिया, पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो गया। लेकिन मुझे ऑटो सिलेक्ट करना है, तो ऑटो सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है कि रेंज A1 current region dot select कर लीजिए या डायरेक्ट कॉपी कर लीजिए।
ये क्या करेगा, ये कंट्रोल ए प्रेस कर देगा, क्या प्रेस कर देगा, कंट्रोल ए। उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद बात आती है कि मुझे पूरा सीट सिलेक्ट करना है, जैसे हम लोग यहां पे क्लिक करके करते हैं ना, तो इसके लिए सिंपल सा कोड है कि आप देंगे यहां पे सेल्स डॉट सेलेक्ट या कॉपी जो देना कर लीजिए। आप कॉपी हुई है तो मुझे पेस्ट भी करना है, मान लीजिए मुझे इस यहां का डेटा को कॉपी करके सीट सिक्स में जाके यहां पे पेस्ट करना है, तो आपको कोड क्या लिखना पड़ेगा पता है सर, कोड लिखना पड़ेगा आपको लिखना पड़ेगा कि पहले तो आप सीट 13 में जाएंगे, तो शीट 3 में यहां पे आप कोड लिखेंगे कि सीट सीट्स और यहां पे आप देंगे सीट 3 डॉट सेलेक्ट, फिर बोलेंगे कि रेंज A1 डॉट करेंट रीजन, आपको ऑटो सेलेक्ट करना है या फिर रेंज पता हो तो ऊपर वाला मेथड यूज कर सकते हैं डॉट कॉपी। फिर वापस आएंगे सीट सिक्स डॉट सेलेक्ट या एक्टिवेट रेंज H1 डॉट सेलेक्ट, और पेस्ट जो होता है वो एक्टिव सीट का पार्ट होता है, तो एक्टिव सीट डॉट पेस्ट आप कर सकते हैं एक कोड, लेकिन एक्टिव शीट डॉट पेस्ट अगर आप कर सकते हैं, या फिर दूसरा तरीका इसका है कि हम पेस्ट स्पेशल कर, क्योंकि पेस्ट स्पेशल जो पार्ट होता है वो रेंज का पार्ट होता है, पेस्ट स्पेशल में हम पेस्ट ऑल ले लें, तो पेस्ट ऑल करना और पेस्ट करना दोनों बराबर होता है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये सीट थ्री को सिलेक्ट करेगा एक्टिव वर्कबुक का, एक्टिव वर्कबुक के शीट थ्री को सिलेक्ट में को पे क्लिक करेगा, जाएगा रेंज वन पे कंट्रोल ए को प्रेस करेगा, सॉरी कंट्रोल ए डॉट कॉपी होना चाहिए था, माफ कीजिएगा करेंट रीजन डॉट कॉपी होना चाहिए, गलती हुई मुझसे, उसको कॉपी करेगा, फिर वापस शीट थ्री पे आएगा, फिर H1 पे जाके पेस्ट स्पेशल कर देगा, या फिर H1 को सिलेक्ट करेगा और एक्टिव शीट डॉट पेस्ट कर देगा। क्लियर है सर? लेकिन ये तभी समझ में आएगा, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक कोड आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इस कोड को मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ आपके नंबर पे, ठीक है, इसको अच्छे तरह से प्रैक्टिस कीजिए, कल हम रेंज को और ज्यादा विस्तार में पढ़ेंगे सर। ओके, एक बार अपन करिकुलम, लेट्स ओपन द करिकुलम, जस्ट वांट टू सी टिल वेयर वी आर। ओके, आप ये कोर्स सिलेबस पे बात कर रहे हैं? हाँ वही, कितने तक, ठीक है, रेंज तक आपका थोड़ा स्लो चलेगा, रेंज में फास्ट निकलेगा। अच्छा, रेंज, ओके, अभी हम बेसिक कंसेप्ट में हैं, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, बेसिक कंसेप्ट में हम अब बात कर रहे हैं, यहाँ इस लाइन पे हैं। अच्छा ओके, अभी हम जो है, अभी जो है हम वर्कबुक शीट रेंज ऑब्जेक्ट विथ मेंबर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने वर्कशीट को कर लिया, शीट को कर लिया, रेंज भी कर लिया हमने, ठीक है ना, ये हमने कर लिया। अब इसको करने के बाद हम बात करेंगे फाइल एंड फोल्डर हैंडलिंग की, कैसे फाइल और फोल्डर, फाइल हैंडलिंग तो हम इसमें वर्कबुक में सीखेंगे, किसी फाइल को ओपन कैसे करते हैं, लेकिन फिर भी एक प्रोजेक्ट दूंगा, फिर हम बात करेंगे कि किसी रेंज को फॉर्मेट कैसे किया जाता है। अच्छा, बट रिपोर्ट फॉर्मेट प्रोजेक्ट जो है, प्रोजेक्ट तो आपके पास नहीं करेंगे, प्रोजेक्ट में टाइम लग जाता है 2-3 दिन का, तो प्रोजेक्ट स्किप कर देंगे। ओके ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कंडीशंस पे, कंडीशन में सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा टाइप के बारे में, वेरिएबल्स। okay. तो आप जो है दो क्लास ए नहीं, हाँ दो, एक क्लास दूर है, एक कल की लास्ट क्लासेस में जो है आपको जो है रेंज और फॉर्मेटिंग, ये चीज मैं ये चीज दो चीज कराऊंगा। अच्छा ठीक है, रेंज और रेंज की फॉर्मेटिंग करा देंगे आपको कल की क्लास में, उसके बाद हम फाइल एंड फोल्डर हैंडलिंग को सीखेंगे, फॉर्मेटिंग ट्रिक्स को सीखेंगे, उसी रिफॉर्मेटिंग ट्रिक्स भी आपका इसमें आ जाएगा एक साथ। अच्छा,
तो अगली एक क्लास के बाद हम बात करेंगे डेटा इंटीग्रेशन में, डेटा इंटीग्रेशन सीख जाएंगे, फिर हम बात करेंगे कंडीशन की, इफ कंडीशन कैसे अप्लाई किया जाता है। जब इफ कंडीशन एक क्लास में सीख जाएंगे तो हम बात करेंगे लूप, तो दूसरे क्लास में लूप हो जाएगा, तीसरे क्लास में हम लूप में पहुंच जाएंगे। अच्छा ठीक है, ठीक है, लूप को आपने लूप लूप पे पहुंच जाएंगे, लूप यहाँ पे, लूप को यहाँ पे डिटेल भी है। जब आप तीन स्टेप में लूप पे पहुंचेंगे, जैसे आपका तीसरा स्टेप खत्म हुआ ना सर आपका, तो आपकी आधी वीवीए खत्म हो जाएगी। उसके बाद जो है आपको दिक्कत नहीं होगी समझने में, क्योंकि उसके बाद वही सारे चीज है जो हम यहाँ ऊपर सीखे उसी को यहाँ पे हम यूटिलाइज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, समझे? ओके, तो इसको देख लीजिए, कल हम बात करेंगे इसके ऊपर फॉर्मेट, रेंज फॉर्मेट के ऊपर। ओके थैंक यू, ऑलराइट, थैंक यू, बाय।